दोस्तों हिंदी की भिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोदान उपन्यास के बारे में। तो देखिए ये एक ऐसा उपन्यास है जो आपकी हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा में इस उपन्यास से प्रश्न आते ही हैं। चाहे आप यूपी टीजीटी की बात कर लें, चाहे केवीएस की बात कर लें, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न परीक्षाओं की बात कर लें, सेट परीक्षा की बात कर लें, नेट परीक्षा की बात कर लें, तो ये एक ऐसा उपन्यास है जिस पर आधारित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे पात्रों से संबंधित, चाहे कहानी से कुछ भी संबंधित, या फिर प्रेमचंद से संबंधित, या उपन्यास के कथनों से संबंधित, तो इस पर आधारित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगी और इसके जो पात्र हैं उन पे भी चर्चा करूंगी और आप लोगों को पात्र ऐसे याद कराऊंगी कि आप फिर कभी इसके पात्रों को नहीं भूलेंगे और आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। ये प्रेमचंद जी का लिखा हुआ अंतिम पूर्ण उपन्यास है। देख लीजिए कई बार प्रश्न आता है कि प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो अंतिम उपन्यास गोदान है। और अंतिम अगर अपूर्ण उपन्यास की बात आए तो वहाँ हम मंगलसूत्र उपन्यास देते हैं, लेकिन अंतिम पूर्ण उपन्यास में गोदान का नाम आता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। अब बात इसमें करें कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें अध्यायों की संख्या भी 36 ही है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष भी 36 है और इसमें अध्यायों की संख्या भी 36 है। तो ये चीज़ हो गई। और प्रश्न इसके बाद दूसरा इस प्रकार से पूछते हैं कि कृषक जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को पूछा गया कहा गया है। तो गोदान उपन्यास जो है कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है क्योंकि इसमें एक ग्रामीण किसान के संपूर्ण जीवन गाथा, उसकी व्यथा, उसका जीवन दर्शन कि किस प्रकार से एक किसान जो है अपना जीवन जीता है मजबूरियों में, अभाव में, और जो एक ब्याज महाजनी सभ्यता उसको किस प्रकार से दबाती है, आदि का विवरण हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो इस उपन्यास में देखिए आपको दो पात्र एक साथ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न आपका बन जाता है। देखिए मैं आपको प्रश्न भी साथ साथ बताती चली जाती हूँ कि जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कई बार ये पूछा जाता है कि दो कथानक जो है दोहरी कथाओं पर चलने वाली उपन्यास कौन सा है। तो इसमें आपको दो कथाएं जो है साथ मिलती है, वो है एक ग्रामीण कथानक और एक है शहरी कथानक। तो यहाँ पर दो कथाएं साथ चलती हैं, ग्रामीण भी और शहरी भी, और दोनों के बिना दोनों अधूरा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्रामीण पात्रों को छोड़ दें तो शहर की कहानी पूरी हो जाएगी, या फिर शहरी पात्रों को छोड़ दें तो ग्रामीण कहानी पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों का मिला जुला स्वरूप ये हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो चलिए इसमें अब बात करते हैं ग्रामीण पात्रों की। तो ग्रामीण पात्र में भी आपको जो है पहले मैं ग्रामीण पात्र और फिर शहरी पात्रों के बारे में बताऊंगी। तो ग्रामीण पात्र के जो लोग हैं वो उसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं, पहले उन पर बात कर ली जाए कि गरीब वर्ग के लोग इसमें कौन कौन से हैं। तो गांव बेलारी है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें दो गाँवों का वर्णन देखने को मिलता है। तो प्रश्न भी ये भी आता है यहाँ पर कि दो गांव जो है इसमें सेमरी और बेलारी, इसका चित्रण हमें किस उपन्यास में देखने को मिलता है। मैं साथ साथ आपको प्रश्न भी बताते जा रही हूँ जिस प्रकार के प्रश्न जो है इस पर आधारित पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जो चित्रण मिलता है वो है गाँव बेलारी का। और अगला जो प्रश्न आता है, देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि दो गांव हैं बेलारी और सेमरी, दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी है ये भी देख लीजिए। तो दोनों गांवों के बीच की जो दूरी है वो है 5 मील। तो 5 मील की दूरी दोनों गांवों के बीच है। तो चलिए अब इसमें गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो इस उपन्यास का जो मुख्य नायक है वो है होरी। तो ये तो आप सबको पता है कि इस उपन्यास का नायक कौन है, होरी, और सारी जो कहानी है वो होरी पर आधारित ही है। तो अब होरी की बात हो रही है तो उसके परिवार में कौन कौन है,
कितने सदस्य हैं, इन सभी पर बात कर लेते हैं। तो होरी जो है इस परिवार में सबसे बड़ा होता है। होरी के दो भाई और हैं। सबसे बड़े भाई में होरी खुद आता है, फिर मझला भाई है और फिर छोटा भाई है। होरी जो कि 40 वर्ष का है, इस उपन्यास का, इस कथा का नायक है। धनिया 36 वर्ष की है, होरी की पत्नी है और नायिका है। इसके बाद होरी का जो भाई है, मझला भाई, वो है हीरा और उसकी पत्नी है पुन्नी या फिर पुनिया। उसके बाद उसका छोटा भाई है शोभा। तो ये तीन भाइयों के ऊपर जो है आधारित कहानी है। अब देखिए जो इसका, इसके बाद हम होरी पे चर्चा करेंगे। तो इसका जो मझला भाई है हीरा, वो क्या करता है, होरी के गाय को, होरी जो एक गाय पालता है, उस गाय को क्या करता है, जहर दे देता है। और इसके बाद जो है 5 साल बाद पागल खाने से आता है। तो ये दो इसके बारे में मुख्य बातें हो गई। अब बात करते हैं, चलिए होरी के गाय की बात की है कि होरी के गाय को जहर दे देता है। तो होरी के गाय का नाम क्या है, कई बार प्रश्न इस पर भी आता है। तो होरी के गाय का नाम था सुंदरी और उसके बछड़े का क्या नाम था, मटरू। चलिए अब बात कर रहे थे हम होरी के परिवार की कि होरी के परिवार में कौन कौन है। तो भाइयों की बात मैंने आप सभी को बता दी। अब बात करते हैं होरी के स्वयं के परिवार की। तो होरी का बेटा है गोबर जो कि 16 वर्ष का है। एक बेटी है सोना और दूसरी बेटी है रूपा। सोना 12 वर्ष की है, रूपा 8 वर्ष की है। तो ये जो होरी है उसके तीन बच्चे हैं। गोबर सबसे बड़ा होता है और बाकी दोनों बेटियां उससे छोटी होती है। गोबर की पत्नी का नाम झुनिया होता है और उसके बेटे का नाम चुन्नू होता है। ये तीन हो गए। इसके बाद सोना का विवाह जो है मथुरा दास से होता है और वो सुनारी गांव में रहता है। ये विवाह बाद में होता है लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पात्रों की बात करें। वहीं पर रूपा का विवाह जो है राम सेवक से होता है जो कि 40 वर्ष का होता है। तो ये होरी के पूरे परिवार की जो पात्र हैं उन पर चर्चा हो गई है। अब देखिए यहाँ प्रश्न आता है, देखिए गोबर जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति होता है, वो प्रगतिवाद का प्रतीक है। और आगे जो है लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद नाम का जो पात्र आपको मैं बताऊंगी, उसके यहाँ ये 15 रुपये में नौकरी करता है। अब यहाँ पे गांव में एक दुकान भी है जो दुकान सहुआइन चलाती है, दुलारी सहुआइन। वो दुकान चलाने का काम करती है और ब्याज पर पैसे देने का भी काम करती है। तो ये मैं जो गोदान उपन्यास है उसके गरीब पात्रों की चर्चा कर रही हूँ। अब आता है इसमें एक अन्य पात्र है भोला, जो कि होरी का मित्र है और कहाँ रहता है, अहीरों की बस्ती में वो रहता है। भोला का विवाह, दो विवाह होता है। उसकी पहली पत्नी जो है लू लगने के कारण मर जाती है। वहीं पे उसकी दूसरी पत्नी भी का नाम होता है नोहरी। तो नोहरी का चित्र बाद में आता है जो कि नोखेराम जो है उसको अपने घर में रख लेता है, ये सब उसकी कहानी आती है। तो उसकी पत्नी का नाम नोहरी है। और उसके जो है भोला के तीन बच्चे हैं, कामता पुत्र है, जंगी पुत्र है, झुनिया पुत्री है। और भोला का जो ये गोबर है और होरी है उसके साथ कई प्रकार से रिश्ता हम कह सकते हैं। ये होरी का मित्र भी होता है। उसके बाद जो होरी है वो गाय किससे खरीदता है, तो वो भोला से ही गाय खरीदता है। उसके बाद जो भोला की बेटी है झुनिया, वो गोबर की पहले प्रेमिका बनती है और बाद में उसकी पत्नी बनती है। तो इस प्रकार से भोला और होरी के काफ़ी सारे रिश्ते हम कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम इसके अमीर वर्ग की कि गोदान उपन्यास के अमीर पात्रों में, अमीर वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो पहला है गांव का ब्राह्मण जो कि दाता दीन है, और पिता है माता दीन का, और माता दीन का विवाह जो है सीलिया से होता है जो उसकी पत्नी और प्रेमिका दोनों होती है। तो सीलिया का अलग से इसमें चरित्र आपको, अलग से इसकी स्टोरी जो है सुनने को इसमें मिलती है। तो यहाँ हम पात्रों पे चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अगला पात्र है मंगल शाह जो कि गांव का सबसे धनी आदमी है। अगला पात्र है पटेश्वरी, गांव का पटवारी है। झिंगुरी सिंह ठाकुर है, सबसे बड़ा महाजन है गांव का। इसके बाद
गंडा सिंह, या गुंडा हो गया, गंडा सिंह है जो कि थानेदार है। तो ये सारे अमीर वर्ग के पात्रों में आते हैं गोदान उपन्यास में। बेलारी गांव के जो अमीर पात्र थोड़े से हो जाते हैं, अमीर वर्ग में आ जाते हैं उन पे। अब बात करते हैं शहरी पात्रों की और सेमरी गांव की। तो सेमरी गांव में आपको जो चित्र मिलता है वो है राय साहब अमरपाल सिंह का। ये बेलारी और सेमरी दोनों गांवों के जमींदार और मुखिया होते हैं। इनके पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्री का नाम है मीनाक्षी, जिसकी शादी कुंवर दिग्विजय से होती है। वहीं पे इनका पुत्र है रुद्रपाल सिंह, जिसकी शादी जो इसमें अन्य पात्र आती है मालती की बहन सरोज है, उससे इसका विवाह होता है। अब बात करते हैं शहरी पात्रों की। ओंकारनाथ बिजली पत्र के संपादक है। मिस्टर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक है। तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि दर्शन शास्त्र के अध्यापक कौन है, तो मिस्टर मेहता। अब बात करते हैं मालती की, जो कि डॉक्टर है। मालती की तीन बहनें हैं, मालती तीन बहन है, तो सबसे बड़ी मालती होती है, इसके बाद सरोज है और इसके बाद वरदा है। अब यहाँ एक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि UGC नेट में ये प्रश्न आया था कि मालती की जो बहन है उसमें गोदान उपन्यास के जो पात्र हैं उनका क्रम जो है पूछा गया था, जिसमें आपको वृंदा करके था जो कि गलत था, बाकी दो ऑप्शन सही थे और वृंदा जो था वो गलत था, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था। तो देखिए, हर पात्रों से प्रश्न पूछा गया था, गोदान उपन्यास के जितने भी पात्र हैं उन सभी का विवरण था और वृंदा की जगह उसमें वृंदा लिखा था जो कि गलत था ऑप्शन में। तो इस प्रकार से बीच में कंफ्यूजिंग वाले आपको प्रश्न पूछ लेते हैं। तो मालती की बहन का नाम होता है वृंदा, तो इस कई लोगों ने इस वजह से वृंदा को सही कर दिया था। तो इसके हर पात्र को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अब बात करते हैं इसके अन्य पात्र। मिस्टर खन्ना जो कि बैंक के मैनेजर है और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। गोविंदी मिस्टर खन्ना की पत्नी है। मिर्जा खुर्शीद लखनऊ में उनके जूते की दुकान है। श्याम बिहारी तंखा जो कि वकील है और बीमा कंपनी के एजेंट है। नोखेराम राय साहब के कारकुन हैं, ये गाँव के ही हैं। तो ये सारे गोदान उपन्यास के पात्रों में आते हैं। तो इन पात्रों पे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको इजीली बता दिया है आसानी से, अब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए इसकी छोटी सी सारांश पे चर्चा कर लेते हैं। तो इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन भाग्य का मारा होरी बहुत से कर्ज के तले दबा होता है। वह राय साहब के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर में भी एक गाय होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सके। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई है कि उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है, ताकि वह उससे शादी कर सके। होरी इस बात का फ़ायदा उठाकर कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की। वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो और बदले में तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ही ढूंढ लूँगा। तो भोला जो है इस बात के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना। तो इस तरह से जो है कई दिन बीत जाते हैं। और इधर भोला की जो विधवा बेटी होती है झुनिया, होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है और गोबर उसे घर से भगाने का विचार बना लेता है, परंतु वह डर के मारे उसे अपने घर के सामने ही छोड़कर और माँ बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। तो जब वो माँ बन जाती है तो होरी की पत्नी जो धनिया है वो धर्म पर चलते हुए उसे बहू स्वीकार करके अपने घर में रख लेती है, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने वह शर्त रखता है कि वह मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता जो है वो टूट जाएगी और उसके साथ जो है तुम्हें मेरी गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन होरी जो है ऐसा कुछ भी नहीं करता और भोला जो है उसे अपनी गाय के दाम मांगने लगता है
और इस बात से जो है पंचायत भी बैठती है और झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार को बहुत ही बेइज्जती सहनी पड़ती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपनी खेती की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र था। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ विष दे देता है और गाय जो है ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। और इस तरह होरी के पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। वह फिर से जो है मजदूरी करने लगता है। गोबर के वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे जो है वो कम पड़ जाते हैं और पैसे कमाने के लिए वो वापस जो है वो शहर को लौट जाता है। और यहाँ पर होरी की अचानक जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसके कारण जो है होरी की दो बेटियाँ सोना और रूपा को खेतों में काम करना पड़ता है। और कुछ दिन के बाद जो है होरी की भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद जो है पंडित जो है उसे द्वारा जो है ये मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपनी बिरादरी वालों को भोजन व क्रियाकर्म करने के लिए पंडित को एक गाय दान में देगी। तभी धनिया सोचती है कि जीते जी तो उन्हें गाय का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात यह पंडित गाय देने की को जो है कह रहा है, गाय दान करने को कह रहा है। पंडित बिना गाय लिए क्रियाकर्म करने से मना कर देता है और होरी की पत्नी जो है वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो इस उपन्यास से क्या निष्कर्ष निकलता है कि होरी की जो लालसा गाँव के पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र, नारी के प्रति लोगों की जो असम्मान की भावना है, पंडित जैसे जो लोग हैं वो समाज में कैसी कुरीति बनाते हैं इसका चित्रण है, एक किसान गरीब की जो समस्या है कि किस प्रकार से उसका शोषण हो रहा है, इन सभी का चित्रण जो है हमें उपन्यास में देखने को मिलता है। तो उस समय जो भारत की स्थिति थी इसका चित्रण गोदान में जो है प्रेमचंद जी ने किया है कि राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां, गरीबों पर किस प्रकार से शोषण हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, इन सभी का चित्रण जो है इस उपन्यास में किया गया है कि केवल होरी ही नहीं उसके संपूर्ण परिवार को किस प्रकार से इस समस्या से जो है जूझना पड़ता था, इस सभी का चित्रण मिलता है इस उपन्यास में। जो है जातिवाद, पूंजीवाद जैसी समस्याएँ जो है अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई है। तो चलिए ये थे उपन्यास के संपूर्ण सारांश और पात्र परिचय। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को गोदान उपन्यास के प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।